हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल गोभी की चिली। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए बनाते हैं फूल गोभी चिली। गोभी चिली बनाएंगे उसके लिए फूल गोभी लगेंगे, चिली सॉस लगेंगे, शिमला मिर्च लगेंगे, अंडा, कॉर्नफ्लोर, प्याज कटी हुई, सोया सॉस, अमूल पाउडर दूध, हरी मिर्च, लहसुन, चीनी, नमक, हल्दी लेंगे, टमाटर सॉस। फूलगोभी को हमने छोटे टुकड़े में काट के थोड़े उबाल लिए हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अमूल पाउडर दूध, नमक, अंडे, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। सबको मिला लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम होने के लिए हमने बैठा रखी है। फ्राई करेंगे हम इसे, डीप फ्राई करेंगे। फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकालते हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालते हैं, बड़े साइज के टुकड़े करके प्याज को काट लिए।
अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, एक बड़े साइज के मैंने लिए। इसको नरम होने तक थोड़ा हम चलाएंगे। इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, एक चम्मच अदरक, नमक, चिली सॉस डालते हैं। सोया सॉस, मैंने ये फ्राई करके रखी हूँ फूलगोभी, इसको भी मैं इसके साथ डाल लेती हूँ। टमाटर सॉस, पानी डालते हैं। इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे ढक देते हैं ताकि सब इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। चलिए बन के तैयार हो गई हमारी फूलगोभी चिली। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। चलिए बन के तैयार हो गई हमारी फूलगोभी चिली। ऐसे आप भी बनाइए, देखिए कितना आसान तरीके से इसे बनाना है। और वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद।